को बस और लेना है लास्ट में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, नरेश भाई कितना टूटेगा ये? ट्रेंड अभी भी वीक ही है स्टॉक का, और इसमें जो मेजर सपोर्ट है वो 4100 to 4000 का है, जो इलेक्शन डे लो था, तो जब तक ये होल्ड करता है तब तक ये साइडवेज रह सकता है, बट ओवरऑल पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही, एक रेंज बाउंड मूव होगा 4000 to 4600 के बीच में, से 4600 के लेवल्स के आसपास रेंज बाउंड मोड, यहां पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं, एक लेवल पर फंसा हुआ फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्टॉक। सोनी, वरुण बेवरेजेस को एक बार पुलअप करेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और इनफैक्ट खरीदारी की राय बरकरार रखी गई है, 800 तक के लेवल्स भी यहां पर देखे जा रहे हैं, करीब 3% की तेजी, काफी हद तक पॉजिटिव ग्रोथ लिवर्स है यहां पर जो कंपनी देख रही है। इंपैक्ट अगर आप देखें पिछले दिनों भी हमने देखा एबिटा ग्रोथ, कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर स्टॉक कंपनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और इस वक्त अगर आप देखें टेक्निकली चार्ट्स पर भी ये बिल्कुल नजर आ रहा है। सो नई कैटेगरी, नई क्षेत्र में इनोवेशन करने की कोशिश, टेक्निकली वरुण बेवरेजेस 613 के लेवल से 800 तक जाता हुआ आप देखती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे 600 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसको क्रॉस किया है, होल्ड कर रहा है उसके ऊपर, 2050 EMA को भी होल्ड कर रहा है आज, तो कहीं ना कहीं अगर वो दोबारा 625 के लेवल को क्रॉस करता है तो वहां से आपको 650-670 के रेंज पे आते हुए नजर आएगा। सो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सीमिंगली डिसेंट है यहाँ पे, 600 के सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो 600 का एक स्टॉक लॉस, पोजीशन जिनकी है एग्जिस्टिंग पोजीशंस बनाए रखे, राय वरुण बेवरेजेस पर मिलती हुई।